नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। आयोजन के मौके पर बड़ा हो या छोटा मंत्री या फिर संतरी, पूरी श्रद्धा के साथ, सेवा भाव के साथ इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आते हैं। आज लखनऊ के प्रसिद्ध केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। यहां उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने प्रसाद वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम और वर्तमान में खेल व्यवस्था पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह से खास बातचीत की, देखिए। बड़े मंगल का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है और जगह जगह, राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भंडारे लगे हुए हैं। इस समय खड़े हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर, जहाँ पर भंडारा लगा हुआ है। भंडारा में सेवा करते यहाँ पर खेल निदेशक आरपी सिंह मौजूद है। जानेंगे इस भंडारे के बारे में, साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से सरकार बनी है उसको क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये भंडारा प्रतिवर्ष यूपी ओलंपिक एसोसिएशन सभी खिलाड़ियों की तरफ से लगाया जाता है। प्रतिवर्ष के बाद भी इस वर्ष भी ये तीसरे मंगल में ये लगाया गया, जिसको कि आनंदेश्वर पांडे जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे हैं। और जो भी हमारा है उसको हम लोग जो बड़े मंगल के रूप में अर्पित कर रहे हैं। हर बार हमें देखते हैं कि खेल मंत्रालय बदलता है, इस बार मनसुख मांडविया जी को मिला है, पहले अनुराग ठाकुर साहब थे, क्या अंतर पाते हैं और क्या कुछ बेहतर होने वाला है। देखिए, जो भी होता है बेहतर के लिए होता है और अब नया मंत्रिमंडल बन गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भारत का जो खेल है और ऊंचाइयों पे प्राप्त करे और आने वाले दिनों में जो ओलंपिक पेरिस में जुलाई अगस्त में हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पदक खिलाड़ी प्राप्त करें। लगातार खेल को लेकर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, नीति सर आगे बढ़ाते हैं, आपकी रुचि को, आपके लगन को हमेशा लोग यहाँ सराहते रहते हैं, क्या कहेंगे। नहीं, हमारा तो कर्तव्य है, मैं बचपन से खिलाड़ी रहा हूँ और खेल की सेवा करने का परमात्मा ने अवसर दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके हमें काम करना चाहिए। खेल के प्रति हम समर्पित हैं और उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। आने वाले समय में हम क्या और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? बहुत बड़ी प्रतियोगिताएं अब उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं, नेशनल लेवल की, राज्य स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। आने वाले दिनों में बहुत सी खेल की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तो ये थे हमारे साथ खेल निदेशक आरपी सिंह, उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई है, भंडारे के बारे में बताया, इसके अलावा उन्होंने सरकार के बारे में बताया कि बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं जो खेल मंत्रालय में बनने वाली है, बेहतर यहाँ काम भी होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनकी लगन ऊर्जा हमने हमेशा देखी है। उनका कहना है आने वाले समय में भी और वैभव नए नए इतिहास यहाँ पर बनाए जाएंगे जो बताएंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश भी खेल व्यवस्थाओं में आगे है। दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी भारत, लखनऊ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।